सब राउंड ट्वेल्व का घर है। तालिब सैफी मिल सकते हैं। तालिब भाई अस्सलाम वालेकुम। काला गेट जो लग रहा है ये ठीक राउंड ट्वेल्व के घर का ऑफिस है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज आप गेस करिएगा मैं कहां पर हूं और किस चीज का व्लॉग बनाने वाला हूं। नहीं कर पा रहे गेस तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। आज मैं हूं राउंड टू हेल जैन सैफी के शहर में। आज मैं राउंड टू हेल जैन सैफी के घर का व्लॉग बनाने वाला हूं। गनीमत रही तो मैं जैन सैफी से मिल भी सकता हूं। वैसे तो वो शूट पे गए हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है। आज मेरा यही पर्पज है, आज आपको मैं राउंड टू हेल का घर दिखाने वाला हूं अपने व्लॉग के जरिए से। और मैं आपको बता दूंगा इस काफी मजा आने वाला है व्लॉग में। और मैं आपको बता देता हूं साथ ही साथ कि यार काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि राउंड ट्वेल्व का घर का वीडियो बनाएगा, उनका घर का वीडियो बना के हमें दिखाएगा कैसा है उनका घर। तो चलिए चलते हैं गाइज। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको राउंड ट्वेल्व के घर यानी कि जैन सैफी के घर आना है तो आपको न्यू मुरादाबाद में आना होगा। न्यू मुरादाबाद में आपको एक जुमेरात का बाजार पड़ता है, यानी कि जुमेरात की मार्केट कहलाई जाती है, वहां आना होगा। जुमेरात की मार्केट में ही उनका घर है। तो चलिए मैं आपको फुल डिटेल्स देता हूं, एंड तक बने रहना। अभी मैं जो इस वक्त खड़ा हूं एक मंदिर वाले चौक पे खड़ा हूं। ये जो रास्ता जाता है राउंड होल के घर की तरफ को जाता है, और ये रास्ता जो जाता है आमिर के घर की तरफ को जाता है। आमिर जिसकी टॉप रियल टीम का नाम से यूट्यूब चैनल है, आप आमिर को भी जानते ही हो, सभी उनको जानते हैं। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूं राउंड टू हेल का ऑफिस। यहाँ ना भाई इस तरह से ऑटो मिलते हैं, ये देखेगा ई रिक्शा कम ही मिलते हैं। और ई रिक्शा वो रहा जैसे कि मैं आप देख पा रहा हूँ, लेकिन वो जा रहा है। और मुझे अभी कम से कम अगर ऑटो नहीं मिला तो मुझे 1 से 2 किलोमीटर दूर का रास्ता लेना पड़ेगा। एक रास्ता इधर से भी जाता है, लेकिन मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मैं आपको मेन रास्ता दिखाऊंगा, एक बोर्ड दिखाऊंगा, साइन बोर्ड, जहाँ से उनका घर पड़ता है। और वहाँ से साइन बोर्ड से आप आसानी से घर पहुँच सकते हैं। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे बने रहे तो मैं आपको उनका एक पर्सनल ऑफिस भी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे उनकी शूटिंग की एडिटिंग चलती है, जहाँ पे सभी एक्टर्स यानी कि जैन सैफी की पूरी टीम मिलती है। जल्दी ही मैं आपको पूरी टीम को दिखाने वाला हूँ। काफी अच्छे लोग हैं, जैन सैफी तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यार, बटास टीम है जिसको बोलते हैं। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं उनके घर की तरफ को। अभी भाई रास्ते पे चलते चलते अपने को लगने लगी है भूख, जो बराबर में मुझे दिख रही है छोले भटूरे की टपरी। और खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपको राउंड ट्वेल्व के घर पर। ओहो भाई ये देखिएगा कितने बड़े बड़े भटूरे हैं, ये तो कुछ पहाड़ों की तरह लग रहे हैं। और सब्जी इनके सामने बिल्कुल एकदम थोड़ी सी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। छोले भटूरे खा लिए हैं और खा गए भाई, मजा आ गया यार, एक नंबर छोले भटूरे हो रहे थे, मजा आ गया भाई। अब चलते हैं यार राउंड ट्वेल्व के घर पे, काफी देर हो चुकी है। जब भाई आप न्यू मुरादाबाद के पागबाड़े में आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से रास्ता देखने को मिलेगा, ये रहा। और साइन बोर्ड जो मैं आपसे कह रहा था ये स्टॉप वाला साइन बोर्ड है। और मैं आपको बता दूं कि आप गाइस किसी से ही मालूम कर सकते हैं कि जुमेरात का बाजार किधर लगता है। तो जुमेरात के बाजार में मैं इस टाइम जा रहा हूं, ये रहा जुमेरात का बाजार। और मैं आपको बता दूं गाइस यही सीधे सीधे चलते रहना है और किससे ही मालूम कर लेना है कि राउंड ट्वेल्व का घर कहां पर है। एक चौक आपको इस तरह से पड़ने वाला है, ये देखिएगा। लेकिन आपको चिश्ती जूस कॉर्नर देखना है, चिश्ती जूस कॉर्नर से आपको सीधा जाना है। तो मैं अभी सीधा जा रहा हूँ। फाइनली गाइज मैं राउंड ट्वेल्व के घर पर पहुंच गया हूँ। राउंड ट्वेल्व के घर के ठीक सामने बैठा हूँ। मैं आपको राउंड ट्वेल्व के घर का रास्ता दिखा देता हूँ। एक रास्ता ये जाता है राउंड ट्वेल्व के घर के लिए, एक रास्ता ये जाता है राउंड ट्वेल्व के घर के लिए। ये आप देख रहे होंगे जहाँ पे भैया ईटे धो रहे हैं। काला गेट जो लग रहा है ये ठीक राउंड ट्वेल्व के घर का ऑफिस है। फाइनली मैं राउंड ट्वेल्व के ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ, चलिए चलते हैं। मुझे लग रहा है पहले से काफी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, ये दिखेगा कुछ इस तरह से। तो मैं दरवाजा खोलता हूँ, भाई काफी लोग पहले से ही आए हुए हैं, ये देखिएगा। जैन सैफी बैठे हैं क्या? तालिब सैफी मिल सकते हैं। तालिब भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? ये है तालिब भाई। एक बार जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, मुझे लग रहा है शूट पे जा रहे हैं आप। जी भाई शूट, हाँ शूट पे। मैंने कहा था ना कि काफी तगड़ी वीडियो आने वाली है। तालिब भाई और सभी टीम उनकी शूट पे जा रही है, शूट पे थी। कौन सी वीडियो आने वाली है वैसे तालिब भाई? सेकंड पर आएगी ये वाली, सेकंड पर आएगी, खुद की आ रही है। अच्छा खुद की वीडियो आने वाली है। कुछ भाई साहब के टीम ये रही और भाई भी ये रहे, आपको ये हेड है यहाँ के। अभी खाना खिलाना चल रहा है। अभी तालिब भाई की जो पूरी टीम है वो जा रही है 5 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए। तालिब भाई का एक अलग ही चैनल है 5 सेकंड का, जो अभी पूरी टीम निकल रही है, सबका बैग पैक है। तो तालिब भाई आप कहाँ पर जा रहे हैं शूट करने के लिए? देहरादून जा रहे हैं आप लोग? अच्छा तो काफी दूर जा रहे हैं। वैसे आपकी वीडियोस में भी मैं देखता हूँ, ज्यादा अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। अच्छा बस देहरादून में निपटाना है? अच्छा एक कट लेना है इतनी दूर, तभी तो यार वीडियो रंग लाती है। छोटी छोटी चीजों को आपको देखना पड़ता है, मजा आता है।
है और ये सब जितने भी हैं सब टीम है। मैंने कहा था ना आपसे कि गनीमत रही तो राउंड 12 की टीम भी मिल सकती है, वो टीम मिल ही गई है। आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था राउंड 12 का ऑफिस, लेकिन इस बार मैं आपको राउंड 12 का घर ऑफिस सभी कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मेरा यही है कि राउंड 12 का ऑफिस या घर कैसा होगा। तो चलिए अभी फिलहाल ये राउंड 12 का ऑफिस कुछ इस तरह से है देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर 3 माला है जो जैन भाई ऊपर ही रहते हैं, तो ऊपर मैं जा नहीं सकता, मुझे अलाउड नहीं होगा बिल्कुल भी जाना। तो इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं कि ये जो रास्ता है ऊपर जाने का रास्ता है, जैन भाई ऊपर शायद सो रहे होंगे। अभी भाई मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, हंसना मत। राउंड 12 के घर की टॉयलेट भी देख लीजिए, कुछ इस तरह से है राउंड 12 के घर की टॉयलेट। ये देखा कितनी वीआईपी टॉयलेट है और जैन भाई यही हटते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा तालिब भाई को, और तालिब भाई का घर ये है। तालिब भाई का घर कुछ इस तरह से है। तालिब भाई और जैन सभी जो है आपस में सगे रिश्तेदार हैं, यानी कि सगे तेरे चचेरे भाई हैं। ये रहा भाई, फिलहाल ये इनकी तो देखिए खुशकिस्मती है कि जैन भाई से मिलते रहते। ये देखिएगा कुछ इस तरह से अम्मी है। अच्छा ये इनकी अम्मी जी है, वालिदा है। ये देखिएगा भाई इनकी वालिदा है कुछ इस तरह से। ये कौन है ये भाई? ये देखिएगा शूट चल रहा है इनका कुछ खतरनाक वाला। गाइज राउंड 12 का घर कुछ इस तरह से है। ये आजू बाजू वालों के घर है और राउंड 12 का घर ये है। पहले इस तरह से पुराना घर हुआ करता था जैन सेफी का, और अब ये रेनोवेशन कर रहे हैं घर को, कुछ इस तरह से वीआईपी बना रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से राउंड 12 का घर। अंदर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है, और ये कुछ इस तरह से बैठा है राउंड 12 की। फाइनली गाइज मैंने आपको राउंड 12 का ऑफिस दिखाया और राउंड 12 के पेरेंट्स का घर दिखाया। आपको बता दूं यहाँ पे काम भी इतना चल रहा है कि सारा काम फैला पड़ा है। ये सब जितने भी है सब भाई यहाँ काम कर रहे हैं और राउंड 12 के घर को चमका रहे हैं। साथ ही साथ आपको मेरा ये राउंड 12 का घर वाला व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें। और गाइज आपको कौन से इन्फ्लुएंसर का एक्टर का घर देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर ही बताएं। बाकी के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं रैप अप करता हूं। आगे के लिए धन्यवाद।